नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इनकम टैक्स जमा कराने का जो प्रोसेस है ऑनलाइन, वो चेंज हो चुका है। कुछ बैंक हमारे अवेलेबल है NSDL की वेबसाइट पर, कुछ बैंक अवेलेबल है हमारे इनकम टैक्स पोर्टल पर, ठीक है। और जो हम ऑफलाइन अपना इनकम टैक्स जमा कराते हैं, मैनुअली चालान बनाते हैं, ठीक है, वो अब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप इनकम टैक्स से ही अपना जो ऑफलाइन चालान है उसको जनरेट कर सकते हैं, चालान 280। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो ऑन कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। और दोस्तों, यदि आप एक्सपर्ट से अपनी मिनिमम चार्जेस में ITR फाइलिंग और ITR कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम NSDL की वेबसाइट की बात करते हैं। तो आपको जाना है गूगल पर, ठीक है। गूगल पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर टाइप करना है चालान 280 ऑनलाइन, ठीक है। जैसे ही आप इस पर टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद इसे कंटिन्यू पर क्लिक करना है, यानी कि एंटर करना है आपको। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आप आ जाएंगे, सबसे पहले ये ऑप्शन दिया है इसमें ई पेमेंट 14। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसमें सेकंड ऑप्शन है हमारा चालान नंबर ITNS 280, इसे प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए इसमें टिक मार्क करने के लिए ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला टैक्स एप्लीकेबल, तो पहला जो इसमें ऑप्शन है वो है 0020 कॉरपोरेशन टैक्स कंपनीज, ये होता है हमारा प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनीज के लिए। यदि आप प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनीज का टैक्स जमा कर रहे हैं तो आप फर्स्ट वाला इसमें चूज करेंगे 0020, और सेकंड है इसमें 0021 इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज। यदि आप कंपनीज को छोड़कर कोई प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप फर्म है उसका टैक्स जमा कर रहे हैं तो आपको चूज करना है इस पर, सेकंड वाले पर। तो अब इसके बाद है टाइप ऑफ पेमेंट, आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो किस टाइप के है। पहला है इसमें 100 एडवांस टैक्स, यदि आप एडवांस टैक्स जमा कर रहे हैं तो आपको ये यहाँ पर क्लिक करना है। दूसरा है सर टैक्स, तीसरा है टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसके बाद है टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम, फिर उसके बाद है सेकेंडरी एडजस्टमेंट टैक्स, फिर उसके बाद है एसेट रिटर्न टैक्स, फिर उसके बाद है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। यदि आप ITR फाइलिंग करा रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है, और आपका टैक्स पेबल बनता है और आप जमा करना चाहते हैं तो आपको टिक मार्क करना है 300 सेल्फ असेसमेंट टैक्स। उसके बाद है टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, यदि आपकी कोई डिमांड है, ठीक है, वो डिमांड आप जमा कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको ये इस पर टिक मार्क करना है 400 पर। फिर उसके बाद है 500 अदर्स रिसिप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद है मोड ऑफ पेमेंट, पहला ऑप्शन है नेट बैंकिंग, दूसरा ऑप्शन है डेबिट कार्ड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड की। अब डेबिट कार्ड यदि आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक, यदि इनमें से आपके पास कोई डेबिट कार्ड है तो आप इनकम टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन होना चाहिए इन्हीं बैंकों में से कोई एक। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में हमारे जो NSDL की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं वो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, IDBI बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यदि इन बैंकों में से यदि आपके पास कोई बैंक का अकाउंट है और नेट बैंकिंग आपके पास है तो आप इससे पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है PNB का, इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, इसमें डालना पैन नंबर जिसका आप इनकम टैक्स जमा करा रहे हैं। तो मैं इसमें डाल देता हूँ, फिर उसके बाद असेसमेंट ईयर, जो कि हमारा असेसमेंट ईयर है इसमें 21-22, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसमें डालना है एड्रेस, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन इसमें डिस्ट्रिक्ट में ये मैंडेटरी है, इसमें हम डाल देते हैं डिस्ट्रिक्ट। फिर उसके बाद स्टेट, तो स्टेट अपना इसमें चूज कर लेना है जो कि हमारा है UP। फिर उसके बाद पिन कोड इसमें डालना है, उसके बाद ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर मैंडेटरी नहीं है, डालना चाहे तो डाल सकते हैं। नीचे आएंगे, फिर उसके बाद डाल देंगे इसमें कैप्चे कोड, ठीक है। कैप्चे कोड जैसे ही डालेंगे, डालने के बाद इसको कर देंगे हम प्रोसीड पर क्लिक।
तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक बार इसको रीड कर लेना। टैक्स एप्लीकेबल 0021, टाइप ऑफ पेमेंट 300, मोड ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग PNB से है, ठीक है। तो इसमें असेसमेंट ईयर हमारा 21-22, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर है हमारी 20-21, ठीक है। आपको असेसमेंट ईयर अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसे आपको आई एग्री पर यहाँ पर टिक मार्क करना है, फिर सबमिट टू द बैंक। जैसे ही आप सबमिट टू द बैंक पर प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद आपका जो बैंक होगा उसकी नेट बैंकिंग का यूज़र आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अमाउंट आ जाएगा टैक्स का, ठीक है। अमाउंट आने के बाद टैक्स का आपको अपना उसमें अकाउंट नंबर चूज़ करना है, फिर उसके बाद अपना ट्रांजेक्शन्स पासवर्ड डालना है और उसको सबमिट कर देना है। अब जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, ठीक है, एक मिनट आपको होल्ड करना है, ठीक है, वेट करना है। वेट करने के बाद एक रिसिप्ट जनरेट होगी, उसको आपको ज़रूर डाउनलोड करना है, क्योंकि उसमें हमारा BSR कोड होता है, चालान सीरियल नंबर होता है, ठीक है। वो हमें कहाँ पर डालना होता है, इनकम टैक्स पोर्टल पर जब हम ITR फाइलिंग करते हैं तो उसमें टैक्स पेड का ऑप्शन होता है, और उसमें हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स वाले कॉलम में ऐड करते हैं। उसमें BSR कोड डालते हैं, चालान सीरियल नंबर डालते हैं और अमाउंट डालते हैं, ठीक है। तब उसके बाद ही ITR फाइल होती है। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक ही जनरेट हो जाता है, जैसे आपने इस पर जमा किया, वो जमा करने के बाद ऑटोमेटिक ही इनकम टैक्स पोर्टल पर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इन फ्यूचर में हो सकता है, या जैसे अभी पोर्टल अपडेट किया है, तो यदि आप ITR फाइलिंग कर रहे हैं और उस दौरान पोर्टल से ही पेमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें ऑटो जनरेट हो जाए, लेकिन आपको NSDL से यदि पेमेंट कर रहे हैं तो आपको उसमें ये ऐड करना होगा ITR फाइल में, ठीक है, या आपकी जो ITR फाइलिंग कर रहा है उसको आपको वो रिसिप्ट प्रोवाइड करनी होगी जिसमें BSR कोड चालान सीरियल नंबर होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तो बात थी हमारी NSDL की वेबसाइट की, अब चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। आपको जाना है गूगल पर और सर्च करना है incometax.gov.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने आ जाएगा इनकम टैक्स पोर्टल, ठीक है। अब आपको इसमें थर्ड ऑप्शन है ई पे टैक्स, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको डालना है इसमें पैन नंबर, ठीक है, मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, फिर दोबारा से कंफर्म के लिए पैन नंबर डालना है, अब यहाँ पर मोबाइल नंबर। देखिए, मोबाइल नंबर आप कोई सा भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने पैन कार्ड बनवाया था और उस दौरान आपने मोबाइल नंबर दिया था, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप यदि अपने क्लाइंट्स का इनकम टैक्स जमा कर रहे हैं तो भी आप अपना नंबर ही इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, किसी का भी नंबर चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। इसे कंटिन्यू करना है, लेकिन ध्यान रहे उस पर OTP जाएगा, OTP आपको यहाँ डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ इसमें, ठीक है। OTP डालने के बाद इसको कंटिन्यू करना है, तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर पैन नंबर आ जाएगा और नाम आ जाएगा शॉर्ट में, ठीक है, वो आपको रीड कर लेना है, फिर से कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पहले ऑप्शन है इसमें इनकम टैक्स, ठीक है, इसे यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद असेसमेंट ईयर इसमें आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर असेसमेंट ईयर चूज़ करते हैं 22-23, ठीक है, आपका जोन सा भी असेसमेंट ईयर होगा वो आपको चूज़ करना है। फिर उसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट, टाइप ऑफ पेमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारा है सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300, इसे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यदि आपका टैक्स है तो इसमें डालना है, तो इसमें हमारा 1000 रुपये का टैक्स है, जो कि हम जमा कर रहे हैं। फिर उसके बाद सरचार्ज है तो इस कॉलम में आएगा, सेस है तो इस कॉलम में आएगा, इंटरेस्ट है तो इस कॉलम में आएगा, पेनल्टी है तो इस कॉलम में आएगी, और अदर्स है तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसे आपको करना है कंटिन्यू। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने इस प्रकार ऑप्शन आएंगे। सबसे पहला नेट बैंकिंग, यदि आप नेट बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। जैसे कि इसमें बैंक दिए हुए हैं, कैनरा बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, फेडरल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, ठीक है। यदि इनमें से आपका कोई एक भी अकाउंट है इन बैंकों में तो, और आपके पास नेट बैंकिंग है, तो आप ऑनलाइन इनकम टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम डेबिट कार्ड की। डेबिट कार्ड यदि कैनरा बैंक, ICICI बैंक या इंडियन बैंक का डेबिट कार्ड है आपके पास तो भी आप इनकम टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें यदि इनमें से और NSDL की वेबसाइट पर जो बैंक आ रहे हैं उनमें से भी आपके पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो करें क्या?
उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं होगा फिर आपके पास, आपको करना है इसमें, फिर आपके पास ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं होगा फिर आपको ऑफलाइन ही अपना जो इनकम टैक्स है वो जमा करना पड़ेगा। यदि आपके पास कोई बैंक अकाउंट नंबर है इन बैंकों में से तो वेल एंड गुड, आप पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से। यदि नहीं है तो आपको क्या करना होगा, ऑफलाइन बैंक में जाकर उसको डिपॉजिट करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद पे एट बैंक काउंटर, ठीक है, इसमें ऑप्शन है कैश, चेक और डिम ड्राफ्ट। यदि आप कैश से जमा कराना चाहते हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे बैंक जो भी होगा, जैसे कि हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है, इसे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारा एक इसमें जनरेट होगा चलान, ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये ऐसा चलान जनरेट हो जाएगा। चलान कौन सा है, RTNS 280, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। हमें पहले क्या ये मैन्युअली बनाना होता था, ठीक है, प्रिंट निकाल कर उस पर लिख कर, या PDF की ऑटोमेटिक शीट होती है जिसमें कि हमें टाइप करना होता है, लेकिन अब आपको ये मैन्युअली बनाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप पोर्टल से ही अपना ये जनरेट कर सकते हैं। अब करना क्या होगा, इसको इसका प्रिंट निकालना है, जैसे कि आप देख रहे होंगे पेमेंट थ्रू कैश, तो इसका करना क्या है, इसका प्रिंट निकालना है, बैंक में जाना है, पैसे देने हैं और बैंक आपको एक डिपॉजिट स्लिप देगा, ठीक है, और उस पे आपका BSR कोड होगा, चलान सीरियल नंबर होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, BSR कोड और चलान सीरियल नंबर हमारा RTR फाइलिंग में जो टैक्स टैक्स पेड वाला हमारा शेड्यूल होता है उसमें ऐड होता है, ठीक है। तो ये तो था कैश से या चेक से पेमेंट। अब उसके बाद है RTGS और NEFT, ठीक है, आप इसे करेंगे कंटिन्यू पे, जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसे ही आपको अपना इनकम टैक्स जमा करना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया है तो कर लीजिए, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।